स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपालिस किचन में। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे और इसको हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, जिसे आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं। इसको हम अपने हाथ की मदद से अच्छे से फोड़ लेंगे। अब आलू का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 1 प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च और धनिया पत्ता लिया है। अब हम आलू के अंदर प्याज डालेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और धनिया पत्ता डालेंगे। मसालों में यहाँ पर हम 1.5 चम्मच जितना नमक डालेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर हम अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1/4 चम्मच इसके अंदर हम हींग डालेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है और इसका मसाला तैयार करना है, जो कि हम आलू के पराठों में भरेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हमारा आलू का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। यह मैंने सिंपल पानी से आटा गूंथ कर रख लिया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे और हम तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमें एक पेड़ा लेना है, उसके ऊपर हम आटा लगाएंगे और एक छोटी रोटी की तरह इसको हम बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। और जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था उसको हम इसके अंदर भर देंगे। अब चारों तरफ से पकड़ते हुए इसको हम बंद कर देंगे। फिर से इस पे आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। अब पराठे को हमने अच्छे से बेल लिया है और हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो इसको हम तवे पर डाल देंगे। और जब एक साइड से सिक जाए थोड़ा सा, तो इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। और जब ये दूसरी साइड से भी सिक जाए तो इसको हम पलट देंगे और इस साइड पे भी हम इसके ऑयल लगा लेंगे। अब ये सिक चुका है एक साइड से, तो हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। अब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है,
हम इसको पलट कर देख लेंगे। जो हमारा पराठा है वो तैयार है। मैं एक और आपको यहाँ पर पराठा बना के दिखाती हूँ। हमें वैसे ही आटा लेना है, उसकी छोटी रोटी बनानी है, उस पर ऑयल लगाना है और जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसको इसके अंदर भर देना है और चारों तरफ से हम इसको पकड़ते हुए इसको बंद कर देना है और आटा लगाते हुए हमें इसको फिर से बेल लेना है। तो हमने पराठा बेल लिया है तो हम इसको तवे पे डाल देंगे और जब ये एक साइड से सिक जाए तो इसको हम पलट देंगे और इसके ऊपर अब हम ऑयल लगाएंगे। और जब ये दूसरी साइड से सिक जाए तो हम फिर से इसको पलट देंगे और इस साइड पे इसके हम ऑयल लगा देंगे। अब फिर से इसको हम पलट देंगे और इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से हम सिकने देंगे। जो हमारा पराठा है वो दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तैयार है हमारा आलू का पराठा जिसके ऊपर मैंने बटर लगाया है और इसको मैंने दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।